हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं आज के लिए बाजार पर वो क्या स्ट्रेटजी बिल्टअप कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स उन्हें कैसे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से क्षितिज गांधी अब जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल बाजार में हमने देखा दिन भर एक रेंज में कामकाज, वॉलेटाइल सेशंस नजर आए और जब कारोबार खत्म हुआ बैंक निफ्टी में बिकवाली हावी होती दिखी। आज के लिए सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे आपने सही पॉइंट आउट किया कि कल के सत्र में जिस तरीके से हम लोगों ने भारतीय बाजारों में उठा पटक देखी है और खासकर बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग नोट पे अच्छी खासी हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी आती देखी है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव ओपनिंग की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। एनसीएक्स50 टैड डाउन 200 पॉइंट के करीब करीब यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि ओपनिंग नोट पे दिखा सकता है। बट मुझे लगता है यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल चार्ट से देखिए पिछले पांच से छह दिनों से निफ्टी जो है एक दायरे में कारोबार होता दिखाई दे रहा है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में 17,350 से 17,400 का एक सपोर्ट लेवल डेवलप किया है मार्केट ने और अपसाइड की अगर हम बात करें तो 17,700 के लगभग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने डेवलप किया है। तो मुझे लगता है इस तरीके की जो वॉलिटिलिटी है ये तो भारतीय बाजार में बिल्कुल बनी रहेगी। जिस तरीके की ग्लोबल मार्केट से न्यूज आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की और क्रूड ऑयल प्राइसेस के रिगार्डिंग, हालांकि कल एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर देखने को मिला भारतीय बाजारों में कि एफआईएस जाते जाते खरीदारी करके गए कल के सेशन में, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर है भारतीय बाजारों के लिए। बट ओवरऑल टेक्निकल सेटअप पर मुझे लगता है 17,350 से 17,650 ये 300 पॉइंट की दायरे में निफ्टी अभी भी होल्ड ऑन कर सकता है। एक कंसोलिडेशन फेज ऊपरी स्तर पर बिल्कुल मेंटेन रख सकता है, वॉलिटिलिटी रह सकती है मार्केट में, बट अभी भी हम इन स्तरों पर भी हम फिलहाल निवेशकों को यही सलाह देंगे कि बाय एंड की ही स्ट्रेटजी यूज करिए। काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में, खासकर मिड कैप स्पेस में से काफी ज्यादा हम लोगों को जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला है। तो लेवल वाइज तो देखिए यहाँ पे अब जिस तरीके से हम लोग डाउन साइड ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी दर्शाया 17,350 से 17,400 के जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी और 17,650 ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वही देखिए अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल एक बार कोशिश जरूर करी 40,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करने की ओपनिंग नोट पे, बट उसके बाद हालांकि सस्ती नहीं कर पाया और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक दायरे में ही हम कारोबार होते दिखाई देगी। एक बार डाउन साइड हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे सही रात में रिकवरी बिल्कुल आ सकती है मार्केट के अंदर। तो बैंक निफ्टी की अगर लेवल वाइज मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 39,500 से 39,300 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपसाइड मुझे लगता है जब तक हम लोग 40,000 के ऊपर डिसिजिवली मूव नहीं कर चाहते ये कंसोलिडेशन और ये इस तरह की उठा पटक या वॉलिटिलिटी मार्केट में बिल्कुल बरकरार रहेगी। बिल्कुल क्षितिज, आपके ट्रेडिंग पिक्स भी बताएं और निफ्टी में रेजिस्टेंस के लेवल आपने क्या बताए एक बार फिर से दोहराइए। जी, निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 17,650 से 17,700 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने कल के सेशन में देखा कि कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव है 17,700 के लेवल के आसपास, तो 650 से 700 के जोन जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है क्षितिज, आज के लिए फिर ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी, स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? जी बिल्कुल मानसी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है और मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि सेकंड हाफ में एक छोटी मोटी रिकवरी हम लोग मार्केट के अंदर जरूर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने कल के सेशन में ये नोटिस किया कि मेटल काउंटर जाते जाते काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिली है। मेटल काउंटर की बात करें तो काफी बाइंग के सौदे हमने आते देखे टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में, तो जो पहली पिक रहेगी मेरी बाय की ही रहेगी। दोनों ही स्टॉक फिलहाल मेरे मेटल काउंटर में से, तो पहला स्टॉक है मेरा टाटा स्टील का। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है कल के सेशन में लगभग 108 रुपए के आसपास। यहाँ पे अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली होल्ड ऑन कर रहा है अपने 100 इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ डेली चार्ट्स में और कल के सेशन में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है। मुझे लगता है यहाँ पे टाटा स्टील को हम लोग लॉन्ग ट्रेड करके यहाँ पे चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 106 रुपए के नीचे। अपसाइड जो मुझे लगता है 112 तक यहाँ पे स्टॉक आज के सेशन में या आज से एक से दो ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील दिखा सकता है। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का। सेम पैटर्न यहाँ पे हम लोग सेल के चार्ट के ऊपर भी देख रहे हैं। कल के सेशन में 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जो एक रेंज बना रखी थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आता दिखाई दिया और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं
80 की पुट स्ट्राइक पे यहाँ पे हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी भी एक अच्छा मोमेंटम कैचअप कर सकता है यहाँ पे डाउन साइड से। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है लगभग 82 के आसपास, या स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 80 रुपए के नीचे। अपसाइड जो मुझे लगता है 85 तक स्टॉक में मूव करने का बिल्कुल पोटेंशियल है, तो मेटल काउंटर के ऊपर आज हम फोकस रखेंगे। बिल्कुल क्षितिज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए, और साथ ही इंडेक्स पर भी नज़रिया अपना हमारे साथ शेयर करने के लिए। 17650 से 17750 ये रेजिस्टेंस एरिया है, 17550 से 17600 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, और 17350 से 650 की रेंज में बाजार आज झूलता हुआ नजर आ सकता है। कंसर्न्स हैं और ध्यान रखिए विदेशी बाजार से भी संकेत कमजोरी वाले ही हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखेगा भारतीय बाजार पर। बैंक निफ्टी 39300 से 39500 की रेंज होगी जिसे सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए, और 39800 से 39950 इसे आप बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के तौर पर मानकर चल सकते हैं। चलिए